देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप सुन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 24 से पूर्ण विभाजित हो। तो चार ऑप्शन भी आप सुन, 10,020, 10,060, 10,080, 10,800 है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, करते इसको हल। देखिए देखिए सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी दोस्तों। देखो 5 अंकों की चाहिए तो 3 में 2 5 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10,000, लेकिन ये पूर्ण विभाजित नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 12, 15, 18 और 24 इसका अपन एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 से गया 2 चंग 12 15, ऐसे ऐसे रह गए दोनों 18, यहाँ गए 12 है ना। फिर 2 से लगाया 2 2 3 6 15, ऐसे ऐसे रह गए 9 आ गए 2 चंग 12। फिर 3 से लगाया 3 एकम 3 3 5 15 3 3 9 और 3 2 6। अब सब संख्याएं कटने वाली है, तो 2 2 4 4 3 12 12 5 60 6 3 18 18 2 36, तो 360 एलसीएम कितना आया, 360 आया। इसी 360 का ही संख्या हम भाग लगाएंगे, 360 का 10,000 में भाग लगाएंगे, ठीक है, 10,000 भाग लगाएंगे। देखो तो 360 दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, दो बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, दो बार, तो 36 2 72 चीपर आ गई, और 10 में 2 गया तो 8 बचा, और 9 में 7 गया तो 2 बचे, ऊपर से उतारा 0, ठीक है, 2800। अब इसको 9 से लगाएं तो 9 3 27, 9 ज़्यादा हो जाते हैं। 8 से देखते हैं, देखो 8 से लगाते हैं तो 8 का गुणा 0, 8 6 48 का 8 हासिल आए 4, 8 3 24 4 28, ठीक है, ये इसके पास में आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाली संख्या 80 कम पड़ रही है, 80 कम पड़ रही है। अगर अपन इस 10,000, ये अपने पास ये 10,000 है, ठीक है, इसमें से अगर 80 घटाते हैं तो यह एक अंक कम हो जाता है, 5 अंकों की नहीं रहती बल्कि 4 अंकों की रह जाती है। अगर 80 जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 अंकों 5 अंकों की वैसे वैसे रहेगी। तो अपन क्या करें दोस्तों, ये 80 अगर ऊपर होता है यहाँ पे, देखो अगर 80 यहाँ पे होता तो पूरा पूरा 8 से विभाजित हो जाता ना। तो अपनी संख्या क्या होगी दोस्तों, 80 इसमें जोड़ना पड़ेगा, अपनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ये वाली, यानी कि 10,080 कितना उत्तर आएगा अपना, 10,080 जो कि पूर्ण विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 10,080 कौन से, ये एल सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। एक सवाल और देख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्ण विभाजित होगी। देखिए तो पहले तो मैंने बता दिया आपको, 5 अंकों की छोटी संख्या बराबर 2, 3, 4, 5 ये वाली संख्या होती है 10,000। अब अपनों को एलसीएम लेना है, एक तो 12 के, 24 का, 48 का, 60 का और 96 का। अब इसको 2 से लगाएं तो भी वही आंसर आएगा, बड़ी संख्या से लगा दें अपन, 12 से लगा दें तो 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 चौक 48 12 5 60 और 12 से 72 12 से 74 96 12 80 96, और इसको 2 से लगाएंगे तो ये 1 आएगा 2 दूनी 4 5, ऐसे रहेंगे 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 5, ऐसे बचे 2 दूनी 4, देखो 12 दूनी 24 24 दूनी 48, 48 में 5 दूनी 10 का गुणा कर देंगे तो 48 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा,
ये 48 10 का गुणा करें तो 480 हो जाएगा, और 3 4 5 अपन इस 10,000 में इस 480 का भाग लगाइए। कौन तो दो बार लगाएंगे तो 48 दुनिया का हो जाएगा 96, शून्य की शून्य आ जाएगी, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 का 9 ही 9 0। अब यहाँ पे 400 तो 400 कम पड़ रहे हैं। अगर अब एक बार पहाड़ा बोलते तो कितना आता है, 480 आता है ना। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, अगर यहाँ 80 और होते तो अपना पूरा विभाजित हो जाता, कितना होता 80 अगर होता तो पूर्ण विभाजित हो जाता, यानी कि संख्या में 80 बच रहे अपने पास, कितने बच रहे 80 बच रहे माइनस वाले, तो ये इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो संख्या अपने पास है इसमें अपन 80 ऐड कर देते हैं तो पूर्ण विभाजित हो जाएगी, कहने का मतलब 001 ये वाली 10,080। तो 10,080 कौन सा ऑप्शन, ये वाली डी ऑप्शन वेज कर दिया, आयोग की सुनने आगे होगा।